And, and Miss World, 2000 is Miss India. So this is remarkable. This is the fifth time of India we shall be praising the Lord tonight as she receives the crown for the world's most beautiful woman. And the right is Miss World, 2000 live around the world from the dome.

आज की वीडियो में हम प्रियंका के बारे में जानेंगे और उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि वो मिस वर्ल्ड कैसे बनी बॉलीवुड में उनके काले रंग के ऊपर लोगों ने क्या कमेंट्स दिए उन्होंने अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई बॉलीवुड में नेपटिजम के हवाले से उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी पर्सनैलिटी में वो क्या क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से शी इज सो सक्सेसफुल So, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए लेट्स बी बैक इट्स टाइम टू मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स लिबर्टी बुक्स पे ऑनलाइन शॉपिंग पर ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं लिबर्टी बुक्स डॉट कॉम पर जाए अपनी पसंद की किताबें सेलेक्ट करें और चेकआउट के दौरान कूपन कोड पर बुक बडी लिखकर डिस्काउंट हासिल करें रीड एंजॉय

उनका ड्रीम था कैरन एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का लेकिन डेस्टिनी हैड अदर उनके उनके भाई और मां ने उनके से कुछ महीने पहले उनकी फोटोज फेमिना मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में भिजवा दी कुछ दिनों बाद उनको वहां से कॉल आई विच मेड हर रियली सरप्राइज मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में ना सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट किया बल्कि उसको जीत भी लिया दिस वॉज दर टू थाउजेंड ये ब्यूटी पैजेंट्स की हिस्ट्री में वो वाहिद साल था जिसमें एक ही मुल्क की तीन खाती ने दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस ब्यूटी पैजेंट को जीता प्रियंका चोपड़ा बनी मिस वर्ल्ड दत्ता बनी मिस और दिया मिर्जा बनी मिस मिस यूनिवर्स एशिया पैसिफिक इस किताब का बेस्ट सेक्शन यही है जिसमें उन्होंने अपने मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के मुकाबले की स्टोरी को डिटेल में कवर किया है उनकी शक्ल से ज्यादा उनकी एलोक्स और इंग्लिश लैंग्वेज पे उनकी ग्रिप एक मेजर वजह बनी उनकी जीत में यही वो क्वालिटी है जो इवेंचुअली उनको हॉलीवुड तक ले गई मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के बाद उन्हें बॉलीवुड से एक के बाद एक ऑफर आनी शुरू हो गई लेकिन उनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आया हुआ कुछ यूं कि उनके नेजल कैविटी में ब्लॉकेज होने की वजह से उनकी एक छोटी सी सर्जरी हुई जिसको कहते हैं पोली इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने उनका नोज ब्रिज भी काट दिया गलती से जिसकी वजह से हर नोज को ऐसा होने की वजह से उनकी शक्ल ही बदल गई बॉलीवुड में लोगों ने उन्हें प्लास्टिक चोपड़ा कहना शुरू कर दिया और एक के बाद एक जिस जिस प्रोड्यूसर ने उन्हें साइन किया था उन्होंने अपने फिल्में वापस लेना शुरू कर दी इस किताब में उन्होंने नेपोटिज्म के बारे में भी बड़े खुल के लिखा है जो आजकल एक मेजर डिबेट है बॉलीवुड में उनका कहना है कि अगर आपकी फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान है फैमिली कनेक्शन है तो आप एक इंसाइडर कहलाते हो और पूरी इंडस्ट्री आपको भरपूर सपोर्ट और फेवर देती है जबकि अगर आप एक आउटसाइडर हैं तो आपके लिए डबल स्ट्रगल होती है हर लेवल पर यहां पर वो यह भी बताती हैं कि जब वो इंडस्ट्री में नई नई आई तो बॉलीवुड की एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल खातून ने उनके बारे में कहा कि ये कभी भी एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी शी इज टू काली जस्ट इमेजिन द बुलिंग दैट इन बॉलीवुड सुशांत सिंह की सैड स्टोरी के पीछे शायद इसी तरह की बुलिंग का हाथ है

प्यार कैसे हुआ और फिर शादी कैसे हुई किताब के अंदर उनकी जिंदगी के मेजर इवेंट्स की पिक्चर्स भी मौजूद हैं मेक द द बुक ऑल मोर इंटरेस्टिंग जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको प्रियंका चोपड़ा की पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा जैसे कि वो बला की एम्बिश हैं यह उनकी बुलंद नजरी का ही नतीजा है कि ना सिर्फ उन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाया बल्कि हॉलीवुड जाकर भी एक इंडियन होते हुए अपना लोहा मनवाया एक और क्वालिटी उनकी यह है कि वो बड़ी कॉन्फिडेंट खातून है ना सिर्फ अब बल्कि बचपन से और इसका सेहरा जाता है उनके मां बाप को जिन्होंने हमेशा उनको इंकरेज किया उनकी बेहतरीन परवरिश की और आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया एक और खसूसियत प्रियंका की यह है कि शी ऑलवेज पुशेज बाउंड्रीज उन्हें हमेशा कुछ नया कुछ बेहतर करना होता है इसकी मिसाल आप इस बात से समझ लें कि ना वो सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं बल्कि सिंगर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं और ऑन्टरप्रनोर भी हैं शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड इम्प्रूव हर सेल्फ एक और बड़ी क्वालिटी उनकी यह है कि वो अपनी जिंदगी के रूल्स खुद सेट करती हैं सोसाइटी चाहे कुछ भी कहे उनकी जिंदगी में वही होगा जो वो खुद चाहेंगी यही वजह है कि बरेली में रहते हुए भी वो मिस वर्ल्ड बन गई बॉलीवुड में कनेक्शन ना होने के बावजूद वो वहां पर सुपर बन गई और जब उनकी शादी की बारी आई तो सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ जाके अपनी उम्र से 10 साल कम उम्र लड़के से शादी कर ली सो so दोस्तों ये थी प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड की कहानी इट्स अ वेरी गुड रीड स्पेशली फॉर गर्ल्स हु आर सीकिंग इंस्पिरेशन इन लाइफ और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़नी चाहिए कामयाब लोगों की क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो क्या क्वालिटीज होती हैं वो क्या एलिमेंट्स होते हैं जो एक आम आदमी को ख़ास बना देते हैं और कामयाब कर देते हैं सो तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहें तो ज़रूर खरीद के पढ़ें वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा एंटिल नेक्स्ट टाइम लेट्स रीड लर्न प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज गुड बाय